वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, लास्ट में हमने कंप्यूटर्स में, आपको याद होगा, आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था। अभी तक हमने ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चैप्टर है, इसमें पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, किस प्रकार की हैं। जैसे हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी, फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। आउटपुट डिवाइसेस में हमने देखा कि जो प्रिंटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स देखे, मॉनिटर देखे, ये जो स्क्रीन्स आती हैं उनके बारे में हमने बात की। बट आज जो हमारा लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट जब वहाँ पे लिखा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसी के अंदर ये आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। बिकॉज हमें ये तो पता चल गया है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है, बट उनको किस तरह से हमने कंप्यूटर या पीसी के साथ कनेक्ट करना है, वो जो आपके पास रास्ते हैं उन्हें हम बोला जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। पोर्ट क्या हो गया? पोर्ट बेसिकली एक ऐसा पोर्शन है जिसके जरिए आप ये जो इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस है ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो कोई भी डिवाइसेस जो हम बाहर से कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। मींस ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है ये एक टाइप की आप बोल सकते हो, दीज आर पेरिफेरल डिवाइसेस। और इन पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये जो पोर्ट्स बने होते हैं उनको ही बोला जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब वो पोर्ट्स जो इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं उन्हें बोला जाएगा इनपुट पोर्ट्स, और वो पोर्ट्स जो आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आते हैं उन्हें बोला जाता है आउटपुट पोर्ट्स। आज के लेक्चर में हमने इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने का समय, लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों, बेसिकली इसमें आ जाता है ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, दो तो मेन टाइप के पोर्ट्स आते हैं, एक हो गया सीरियल पोर्ट और दूसरा हो गया पैरेलल पोर्ट। और उसी के साथ दो और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जो होते हैं यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, और लास्ट में आता है फायर वायर। ठीक, अब जो पहला कौन सा हमने लिया है, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या बोलता है दोस्तों? इसमें ये होता है कि ये एक ऐसा पोर्ट है जिस पोर्ट के जरिए आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ, और अगर आप चाहते हो कि लार्ज या हाई डाटा ट्रांसमिट करना है आपने, एक तो स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा डाटा भी बहुत ज़्यादा है ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑब्वियसली जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डाटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो पैरेलल पोर्ट उसके काम आता है। देखने में पैरेलल पोर्ट कैसा होता है ये मैंने आपके सामने बनाया है। बेसिकली जब भी किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, वो जो रास्ता है या जो आप बोल सकते हो हल्का सा वहाँ पे एक पोर्शन बना हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, चाहे वो आपके सीपीयू के ऊपर है या लैपटॉप के साइड्स में भी जो पोर्शंस बने होते हैं, जहाँ आप कभी कभी मेमोरी कार्ड भी डालते हो, आप पेन ड्राइव्स जो है वो कनेक्ट करते हो, वही पोर्ट्स होते हैं। तो पैरेलल पोर्ट मैंने आपके सामने इस तरह से दिखाया है। पैरेलल पोर्ट जो है ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि कनेक्ट करता है 8 या उससे ज़्यादा डाटा वायर्स को। अब 8 वायर्स ऐसा नहीं है कि सिंगल करते हुए 8 अलग सी वायर्स होंगी, नहीं, ये जब आप कनेक्ट करोगे उन्हीं एक ही वायर के अंदर इतनी सारी वायर्स एक साथ होंगी। तो इस तरह से कोई पोर्ट होता है, आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे और वो पोर्ट के जरिए आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब डाटा जो है ये फ्लो करता है सभी वायर से साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सारा डाटा जो है वो फ्लो करता है। पैरेलल का मीनिंग यही है कि अगर यहां से कोई चीज चल रही है तो उसके पैरेलल चल रही है, डाटा पैरेलल मूव करता है। जब डाटा 8 वायर्स से, वायर्स को बस भी बोला जाता है, जब डाटा 8 बसेस या वायर्स से एक साथ जाएगा तो खुद सोचो स्पीड जो होगी डाटा ट्रांसफर की वो ज्यादा होगी। वही यहां पे बोला भी है, दे कैन ट्रांसमिट 8 बिट्स ऑफ डाटा इन पैरेलल। पैरेलल में 8 बिट का डाटा एक साथ भेजता है, और ये पैरेलल पोर्ट जो है प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। क्योंकि जब 8 वायर्स के जरिए 8 बिट्स ट्रांसफर हो रही है या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फिर ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा हाई स्पीड। ठीक, और हाई स्पीड का मीनिंग, फिर इसका मीनिंग हो गया कि हमने ऐसी डिवाइसेस इसके जरिए कनेक्ट करनी है जो कि बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ ट्रांसफर कर सके। जैसे प्रिंटर हो गया, अब प्रिंटर जो है, अब कोई भी प्रिंट की कमांड देते हैं, हमें पता है कि एक साथ काफ़ी डाटा या मटेरियल है जिसे हमने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंटर को जिस पोर्ट के जरिए कनेक्ट करते हैं वो कौन सा हो गया, वो हो गया पैरेलल पोर्ट। तो आई होप पैरेलल पोर्ट के बारे में अब आपको क्लैरिटी मिल गई हो।
इसी के पैरेलल में, मतलब इसी के कंपैरिजन में हम सीरियल पोर्ट को समझते हैं। सीरियल का मीनिंग ये हो गया कि एक ऐसा पोर्ट होगा, देखने में तो ये इस तरह से दिखता है, और जब हम इसे कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस को इस पोर्ट के जरिए, तो ये सिंगल सिंगल डाटा को ट्रांसमिट करता है। मीन्स पहले एक डाटा जाएगा, उसके पीछे दूसरा डाटा होगा, या एक बिट जा रही है उसके पीछे दूसरी बिट है जो कि लाइन में लगी है, और उस तरह से जाएगी, जिसकी वजह से आप इसे बोलोगे कि वक्त भी लगेगा, क्योंकि पहले एक बिट आगे जाएगी तो दूसरी बिट जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ क्या था कि 8 बिट्स को एक साथ आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट करता है एक बिट ऑफ डाटा को एक सिंगल वायर के जरिए। डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है सीरियली। सीरियल का मीनिंग क्या हो गया कि पहले एक बिट जाएगी जैसे मैंने अभी बताया, और फिर उसके पीछे दूसरी बिट जाएगी, और इसी की वजह से यहाँ पे डाटा जो है वो स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है, स्पीड कम होती है डाटा को ट्रांसमिट करने की। और सीरियल पोर्ट के जरिए हम क्या क्या चीज़ों को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे ये मॉडम होता है, प्लॉटर्स मैंने बताया था, बार कोड रीडर्स होते हैं, और भी काफ़ी डिवाइसेस होती है, तो उसे कनेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको आपकी डेली लाइफ में बताऊं, कहीं आपने इस तरह के पोर्ट देखे हैं तो याद होगा बचपन में हम गेम खेलते थे, सुपर मारियो गेम आती थी, या कोई भी मल्टीमीडिया आपने बचपन में जो भी खेला हुआ है, तो याद होगा जब हमने अपने हमारे हाथ में जो कंट्रोल्स होते थे, रिमोट जिसको बोलते हो, उसको जब कनेक्ट करना था हमने उसके साथ, तो इस तरह से कुछ एक रिमोट के पीछे जो वायर होती है इस तरह से कनेक्ट नहीं की जाती थी, तो ये लगभग उसी तरह से हो गया। ये तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि ये तो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। फिर उसी के साथ बाद में आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। यूएसबी आपने पोर्ट्स तो सुने ही हुए हैं, यूएसबी 1.0, 2.0, 3.0, ओ मीन्स 3.0 भी बोलते हैं। जो यूएसबी 1.0 था उसमें उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट नहीं होता था, फिर यूएसबी 2.0 या 2.0 आया, अब 3.0 आ रहा है। पेन ड्राइव्स को भी कभी कभी यूएसबी बोला जाता है, आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि पेन ड्राइव से तो हम एक साथ कितना डाटा जो है वो ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर तक, या कंप्यूटर से हम पेन ड्राइव में भी डालते हैं। तो ये एक कॉमन एक पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट है जो अवेलेबल होता है कंप्यूटर्स के साथ, तो इस पोर्ट के जरिए हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको हल्का सा शेप बता दूं तो कुछ लगभग इस तरह से ये पोर्ट होता है, और हम पेन ड्राइव्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा, लगभग चार यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप अपने लैपटॉप में देखो, लगभग दो तो यूएसबी पोर्ट्स होते हैं जहाँ पेन ड्राइव डालने की जगह होती है। और यूएसबी जो है इसमें प्लग एंड प्ले फीचर होता है। प्लग एंड प्ले फीचर का मीनिंग क्या होगा, एक बार आपने यूएसबी कनेक्ट किया, प्लग किया, जैसे वो प्लग इन हुआ आप उसे प्ले कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। मीन्स क्या है, विच एलो डिवाइसेज रेडी टू बी रन, मतलब जैसे कनेक्ट करोगे ये रेडी है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट में एक सिंगल यूएसबी पोर्ट जो है, जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है, उसके साथ आप लगभग 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। मींस पहले एक कनेक्ट की, और उसके साथ अगर आपके पास एक्सटेंशंस हैं तो 127 डिवाइसेस जो है वो आप लगभग कनेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में हमारा आ जाता है क्या, फायर वायर जो है ये जब बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा की मूवमेंट करनी है, बहुत स्पीड में करनी है, तो फायर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। फायर वायर जो है ये इसे IEEE 1394 इस नाम से भी जाना जाता है। IEEE का मीनिंग अगर आप पूछ रहे हो या इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट था जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, तो IEEE वो हो गया। और इसे यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस, जैसे वीडियो कैमरा हो गया, आपने कंप्यूटर के साथ कैमरा को कनेक्ट करना है। अब कैमरा जब शूट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि डाटा जो है एक साथ ट्रांसमिट करना होता है, तो फायर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटी वायर्स होती है बेसिकली, ठीक है। ये एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी है जिसे यूज़ किया जाता है लार्ज डाटा मूवमेंट के लिए। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हैं या DVDs जो हैं उन्हें भी फायर वायर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, और डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है लगभग 400 MB पर सेकेंड का है, मतलब एक सेकेंड में 400 MB का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि इन सभी पोर्ट्स में से कौन सा पोर्ट ऐसा है या कौन सा पोर्शन ऐसा है जो ज़्यादा डाटा मूवमेंट कर सकता है हाई स्पीड में, तो वो फायर वायर हो गया। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट में कौन सा पोर्ट ऐसा है जिसके ज़रिए हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होती है, तो वो हो गया पैरेलल पोर्ट, बिकॉज पैरेलल पोर्ट जो है
ये एक साथ 8 बिट्स को ट्रांसमिट करता है, बट सीरियल पोर्ट मैंने क्या बताया वो एक समय पे एक ही बिट को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक क्विक सी रिवीजन अगर आप चाहते हो तो मैं छोटा सा रिवीजन वापस से दे देता हूँ। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, 8 वायर्स होती है पैरेलली, ठीक है, और एक साथ 8 बिट का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें हाई स्पीड ट्रांसमिशन होती है, प्रिंटर्स जो हैं वो पैरेलल पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। ये अगर आप कहीं ध्यान से देखो आपको कंप्यूटर्स में पोर्ट्स दिखेंगे। सीरियल पोर्ट में मैंने बताया कि सिंगल वायर होती है, सिंगल वायर की वजह से एक ही बिट एक समय पर ट्रांसमिट होता है। और फिर मैंने इसमें बताया कि क्योंकि एक ही बिट ट्रांसमिट होता है सेकंड बिट को समय लगेगा पहुंचने में, तो इस स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होती है। और बाकी हमने बारकोड रीडर्स मॉडम या प्लॉटर्स बताए जो हम सीरियल पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। और फिर यूएसबी, इसके बारे में हमने बात की, यूएसबी जो है ये इन दोनों से भी बेहतर है और हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन भी होती है। यूएसबी में मैंने आपको बताया लगभग एक कंप्यूटर में दो या दो से ज़्यादा चार तक यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। और यूएसबी में प्लग एंड प्ले फीचर भी होता है। प्लग एंड प्ले फीचर का मीनिंग हो गया कि आपको जैसे ही आपने प्लग किया आप उसे प्ले भी कर सकते हो। लास्ट में फायर वायर आया, और जब एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, पहली बात महंगी है और बहुत ज़्यादा डाटा को मूव करना अपने, और उसके अलावा स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये फायर वायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़नी थी। आपको जल्दी आई थिंक आज या कल इसका नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा जहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली या इंटरनेट शुरू करेंगे या वायरस शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।